राजस्थान में विधानसभा का शोर जोरों पर है। इस बीच एक सवाल प्रदेश की सियासत के इर्द गिर्द पिछले कुछ समय से घूम रहा है। सवाल यह है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। वहीं एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अब खुद इस सवाल का जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दरअसल हैदराबाद में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों ने सचिन पायलट से राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा। इस सवाल पर उन्होंने कहा, हम एकजुट पार्टी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे बढ़कर अभियान का नेतृत्व करेगा, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, एक बार जब हमें जनादेश मिल जाता है तो हम नव निर्वाचित विधायक पार्टी नेतृत्व तय करते हैं कि कौन सरकार का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा सीडब्ल्यूसी की बैठक पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक ने पूरे देश में एक बहुत अलग संदेश दिया है। दो दिवसीय बैठक की सार्थक चर्चा हुई, इसमें सभी सदस्यों ने खुले मन से अपनी राय दी। इस मीटिंग में ये रणनीति बनी है कि कैसे आने वाली 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बने। इंडिया गठबंधन पर सचिन पायलट ने कहा कि एनडीए को हराने के लिए इंडिया अलायंस बना है, इस पर सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस को एक अहम रोल प्ले करना है, लेकिन साथियों के साथ चर्चा करने के बाद ही किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। फिलहाल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।